इस होली पर जेम्स को ऐसा स्पेशल कलर लगाऊंगा जो कई हफ्तों तक नहीं निकलेगा। इसे निकालते निकालते उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। अरे वो देखो, जेम्स आ रहा है। जल्दी से सब छुप जाओ। जहाँ बिट्टू हो वहाँ मुसीबत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर मैं भी भतीजा हूँ। हाँ, मुसीबत मुझे छू भी नहीं सकती। जैसे ही जेम्स इस गेट के नीचे आएगा, मैं उसका नाम लूंगा। नाम सुनते ही तुम लोग ये रस्सी खींचना और फिर बकेट का सारा स्पेशल कलर उस पर गिर जाएगा। ओके बिट्टू। अरे कहाँ गायब हो गया ये जेम्स? जेम्स बोला, रस्सी खींचो। अरे रे रे रे, ये तो कोई गंदा सा कलर है। इसे निकालते निकालते तो तुझे अपनी नानी याद आ जाएगी बिट्टू। वैसे ऐसे कलर से होली कभी नहीं खेलनी चाहिए। उए, अच्छा हुआ भतीजे तू आ गया। अब तू ही अपने दोस्तों को समझा कि होली खेलने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ दोस्तों, चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑर्गेनिक कलर से हमारी स्किन और हमारा ये सुंदर सा गार्डन दोनों खराब नहीं होंगे। चाचा मुझे भी दो। शुक्रिया चाचा। उए बंदूकनी जी, ये क्या हाल बना रखा है? वो क्या है ना कि होली के रंगों से हमारे चेहरे का मेकअप खराब हो जाता है। इस ग्लास हेलमेट में ना तो मेरा मेकअप खराब होगा और ना ही मेरे बाल। हैप्पी होली चाचा भतीजा। चोरी चकारी पॉकेट मारी और करे हम लूटम। हाँ हाँ, जहाँ भी जाए धूम मचाए, हम है उछलम कूदम। पुलिस संभल के। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैं, मेरी जलेबी? जलेबी खाकर मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है। क्यों ना हम अपने शरीर पर ये ग्रीन कलर लगा ले, फिर इस हरे गार्डन के पेड़ पौधों के बीच हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और हम करेंगे धमाल। बिल्कुल। चलो अपना काम शुरू करते हैं। क्या खुशबू आ रही है। जलेबी और कचौरी, मुंह में पानी आ गया। पुराना मानो होली है। और यो हेलमेट तो मैंने थारे जैसे लोगों से बचने के लिए लगाया है जो मेरा मेकअप खराब करना चाहते हैं। बुरा न मानो होली है। रंग में भांग डालने ये कहां से आ गए? चलो जल्दी से छुप जाते हैं। चलो। वाह, फ्री में जलेबी। लात मारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बंदूकनी जी। अरे उछलम, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना ये भुक्कड़ भल्ला हमारे लिए एक भी जलेबी या कचौरी नहीं छोड़ेगा। मेरा नेकलेस।
चेन भी नहीं है। मेरी अंगूठी भी चोरी हो गई। तुम्हारी तो सिर्फ एक चेन या अंगूठी चोरी हो गई है, मेरी तो सारी जलेबी और कचौरियाँ चोरी हो गई। मेरी भी चूड़ी चोरी हो गई, मुझे कल ही गिफ्ट मिली थी। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सबकी तलाशी ली जाएगी। अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। ओए पतिजे, देख इस पेड़ से शहद टपक रहा है। इस पेड़ पर कोई मधुमक्खी का छत्ता तो है नहीं, तो शहद कहाँ से टपकेगा? अरे ये तो जलेबी का रस है। ये तो सुलझाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप सबकी खोई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरी नानी कहती थी कि अगर कोई चीज ना मिले तो ऊपर पेड़ पर लगे आम को तोड़ना चाहिए, इससे हमारी खोई हुई चीज वापस मिल जाती है। हैं? मेरी नानी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो क्या हुआ, भतीजा कह रहा था तो कुछ तो होगा, करने में क्या जाता है। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, तो यहाँ छुपकर बैठे थे ये चोर, उछलम और कूदम। ओए वाह, भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। उछलो कूद और भागो। अरे उछलम, जल्दी से लाल रंग अपने शरीर पर लगा ले और इस बिल्डिंग के लाल दीवार पर चिपक जा, देखना कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ओ इतनी जल्दी वो दोनों कहाँ चले गए? ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, अभी तो यही थे। वो देखो, वो रहा उछलम, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलकर इस लाल दीवार पर छुपा है। भागो! हेलो खोजी अंकल, जल्दी से आप अपने गैजेट बैग के साथ यहाँ पर आ जाइए, मुझे दो रंग बदलने वाले गिरगिट पकड़ने हैं। ये लो भतीजे, जैसा तुमने कहा था, ये लो वो गन। इस गन से पानी के गुब्बारे और इस गन से ग्लू की मोटी धार निकलती है। वो रहे दोनों, ये इन दोनों को मेरी लात से कोई ना बचा सके है। हम किसी के हाथ नहीं आते। समझे चाचू, जल्दी से ग्लू गन से उस दीवार पर ग्लू की धार छोड़िए। सॉरी। है? कहाँ चले गए? फिर से गायब हो गए। आइडिया। क्या? उछलम कूदम वहाँ पर नजर आए? हम अभी आते हैं। हम तो यहाँ है और भतीजा हमें वहाँ ढूंढ रहा है। उछलम, वो देखो, पुलिस की जीप में हमारी चुराई हुई सारी चीजें पड़ी है। आसपास कोई नहीं है, ये सही मौका है उछलम सारी चीजें वापस चुराने का। चलो चलो। हमें पकड़ने के लिए भतीजे ने ये जाल बिछाया था। ये क्या हो गया, मेरा हाथ कैसे चिपक गया? ये तो चीटिंग है, हमेशा चीटिंग करता है। ओ भाई उछलम कूदम, बुरा न मानो, होली है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। Thank you.
ओए मिमिक्री, मेरा पराठा कहाँ है? अल्लाह जी, इस बार तो आपको आपके उधारी चुकानी ही होगी, तभी मिमिक्री के ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा। कोई शक? उधारी? कैसे उधारी? ओए बलवंत, तुम ही बताओ ये एक पराठा कितने का है? 50 रुपये का। और पता है मुझे इस ढाबे तक आने में 40 रुपए ऑटो के और 20 रुपए बस के देने पड़ते हैं। तेरे मक्खन वाले पराठे खाकर मुझे 2 किलोमीटर वॉकिंग करनी पड़ती है, मेरी चप्पल घिस जाती है, उसके 10 रुपए अलग। तो मिमिक्री भाई, उल्टा तुम्हें मुझे 20 रुपए देने चाहिए। मुझे पता था अल्लाह जी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आएंगे, पर घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसलिए मैं पहले से ही खोजी से ये दिलदार दवा ले आया था। इस दवा से इंसान की कंजूसी खत्म हो जाती है और वो दिलदार बन जाता है। कोई शक? यही तरीका है भल्ला से मेरे पैसे निकलवाने का। हेलो पल्ला जी, शाम के खाने के लिए चिकन ले आना। क्या चिकन? पैसे के पेड़ पर उगते हैं, पता है चिकन कितना महंगा है? दाल रोटी से ही काम चलाओ। ठीक है, आप दाल रोटी का सामान ही ले आना। हाँ। दाल रोटी? हम दाल रोटी क्यों खाएंगे? मैं चिकन लेकर आता हूँ, पनीर लेकर आता हूँ, एक्सोटिक वेजिटेबल्स लेकर आता हूँ। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। ओए मिमिक्री, सुन, आज ढाबे पर सबका खाना मेरी तरफ से। ओए पल्ला जी, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ओए बलवंत, पैसे तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं, अरे असली मजा तो सबके साथ बांटने में आता है। ये रहे बिल के पैसे, ये तुम्हारी उधारी के, और ये रखो 1000 रुपए टिप के। वे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने भल्ला अंकल को बटवे से पहली बार इतने पैसे निकालते हुए देखा है। मेरा काम तो हो गया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। आज तक पराठे खाकर लोगों को दिलदार बनते हुए नहीं देखा है। सच सच बताइए, आपने क्या किया है मिमिक्री अंकल? अब तुमसे क्या छुपाना भतीजे, मैंने पराठों में खोजी की स्पेशल दिलदार दवा मिला दी, जो बड़े बड़े कंजूसों को भी दिलदार बना देती है। कोई शक? रोज़े, सुना तुमने, भल्ला दिलदार बन गया है, और उसकी दिलदारी का फायदा भी हम होशियारी से उठाएंगे। हिटके वे भतीजे, अगर पल्ला जी ऐसे ही दिलदार बने रहे तो अपना सारा रुपया पैसा गलत लोगों के हाथों में दे देंगे। हमें कुछ करना होगा। हमें भल्ला अंकल को फिर से कंजूस, मेरा मतलब नॉर्मल बनाना होगा। मैं खोजी अंकल से एंटीडोट लेकर आता हूँ, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आप भल्ला अंकल को ऑफिस के बाहर मत जाने देना, और किसी को भल्ला अंकल से मिलने भी मत देना, ताकि कोई इनकी दिलदारी का फायदा ना उठाए। ओ नहीं नहीं जी, ओ पल्ला जी बिजी है, आप बाद में आना। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है, और मैं तो A1 डिटेक्टिव एजेंसी को एक केस देने आया था, पर लगता है अब मुझे Z+ डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाना होगा। हाँ। Z+? रुकिए रुकिए, केस के लिए तो आप उनसे मिल सकते हैं जी। ओए मल्ला यार, ये गोल्डन ट्रॉफी कितनी सुंदर है। ओए काश मेरे पास भी ऐसे गोल्डन ट्रॉफी होती यार। तुम्हें पसंद आई तो तुम इसे रख लो। और आपका ये नया इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, ओए मैं कितने दिनों से ये फोन खरीदना चाहता था यार, पर क्या, तुम्हें ये फोन पसंद आया तो इसे भी रख लो। पल्ला जी, आप ये क्या कर रहे हो? बलवंत, अगर मेरी दिलदारी के बीच आए तो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी डबल कर दूंगा। डबल? आपकी घड़ी, आपकी सोने की चैन, आपके लॉकर में कितना पैसा होगा यार? तुम्हें पसंद है
तुम ले जाओ जाओ जाओ। चाचू चाचू उठिए, भल्ला अंकल ने सब कुछ लुटा दिया और आप यहाँ पर सो रहे हैं। मैं ये एंटीडोट लाया हूँ। ओए भतीजे, ओए कोई आदमी आया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पल्ला जी से सब कुछ ले गया। इससे पहले कि पल्ला जी इस ऑफिस को भी दान में दे दे, उन्हें ये एंटीडोट पिला देते हैं। नहीं 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 चाचू, अभी नहीं। अगर भल्ला अंकल फिर से कंजूस हो गए और उन्होंने देखा कि उनका ऑफिस खाली पड़ा है तो वो हमारा सिर खा जाएंगे। आइए मैं आपको उठाता हूँ। ये क्या हो गया, मेरे तिजोरी के पैसे कहाँ गए कहाँ गए? ये सब आपने ही दिलदारी में बांटे हैं पल्ला जी। क्या मैं ऐसा क्यों करूँगा? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं बलवंत? मुझे सब वापस चाहिए अभी के अभी, वरना तुम्हारी 2 साल की सैलरी कट। कंजूस भल्ला अंकल वापस आ गए पर गलत वक्त पर। अच्छा ये तो बताइए क्या क्या सामान चोरी हुआ? मेरी गोल्डन ट्रॉफी, सोने की चेन, मोबाइल फोन। फोन भी चोरी हुआ है? अच्छा हुआ, अब हम जीपीएस से उस चोर की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। रुको, हम बंदूकनी जी को भी बुलाते हैं। हेलो बंदूकनी जी। ओह ये तो जुगावर है। बंदूकनी जी जुगावर ऐसे नहीं मानेगा, पर एक तरीका है जिससे वो खुद भल्ला अंकल की हर चीज हमें वापस कर देगा अपने हाथों से। वो कैसे पतीजे? आइडिया, जुगावर को खोजी अंकल की स्पेशल दिलदार दवा पिलानी होगी, वही केमिकल जिससे भल्ला अंकल दिलदार बने थे। वाह क्या दिमाग लगाया है पतीजे। ओए जुगावर चल भल्ला जी की चीजें वापस कर। क्या कौन सी चीज, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं। ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। जुगावर अंकल मैं रेस नहीं जीत पाया, अब अगर मुझे वो फर्स्ट प्राइज वाली गोल्डन ट्रॉफी मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। दिल छोटा मत करो बेटा, क्या ये लो गोल्डन ट्रॉफी, तुम्हें चाहिए तुम इसे रख लो। काश मेरे पास भी फोन होता, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। युकि जुगावर ये क्या कर रहे हो, तुम दिलदार कैसे बन गए? ये लोग तुम्हारी दिलदारी का फायदा उठा रहे हैं। क्या अपना पैसा ऐसे ही सब में बांट दोगे? पैसा तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं, असली मजा तो सबके साथ बांटने में आता है। ये जुगावर तो सारी राज खोल कर रहेगा। और टाइम क्या हुआ है भाई साहब, काश मेरे पास एक कड़ी होती। ये लो मेरी सोने की चेन गिर गई, मेरा गला कितना सूना हो गया है। ओ बलवंत ये बता मुझे क्या हो गया था? ओ पल्ला जी आप पहले ये सल्यूशन पीकर दिलदार बने और फिर ये सल्यूशन पीकर कंजूस, मेरा मतलब है नॉर्मल बन गए। रोज़े, मेरी चुराई हुई चीजें कहाँ गए? तुम्ही ने दिलदारी में बांटी है। ये मैंने क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे? मेरे इंजन के कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका हुआ है, बोले तो निकालूं? आओ निकाल निकाल जल्दी निकाल। जीप लेकर भाग रहा है। ओए, उस जीप में मेरी ट्रॉफी, फोन, चेन सब कुछ पड़ा हुआ था, फिर से चोरी हो गया। ओ भतीजे प्लीज कुछ कर। आ
नतीजे जोगावर खुद आकर पुलिस की जीप में बैठ गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।